सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस कैसे आप सब? ठीक ठाक भाई साहब, देख सकते हो ये पिकाचू का हेलमेट था और इसका ये वाला चीज़ देख सकते हो, टूट गया, दोनों साइड से दोनों टूट गया है, बस एक वाला बीच वाला है। तो क्या पता भाई कब गिर जाए, कुछ पता भी नहीं है। गिर जाएगा तो भाई एक ब्लॉगिंग के लिए भाई 30,000 का फ़ोन, 40,000 का फ़ोन चला जाएगा। सो गाइस ये वाला था, अभी ये वाला चीज़ हम लोग लाए हैं, अभी देख सकते हो नया है। चीज क्या क्या मिला इसके साथ ये देख सकते हो, और ये इसके साथ सेटअप दिया है। तो ऐसा कुछ सेटअप करने वाले हैं हम लोग। भाई साहब तो इसको फिट कर दिया, देख सकते हो भाई साहब, इस पर नहीं फिट किया हूँ यार, इस पर ढीला पड़ता है। और देख सकते हो सादा हेलमेट है, अब यहाँ पे दोनों पॉइंट बांध दिया हूँ, और उसके बाद देख सकते हो ये कितना ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है भाई साहब। तो देख सकते हो यहाँ इसको फिट कर दिया हूँ एकदम फाइनल, और पिकाचू का हेलमेट, और ये पॉइंट है जहाँ से टाइट होता है, तो इसको फिट एकदम मस्त कर देता हूँ। सो भाई साहब यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप लग गया, ठीक है, देख सकते हो ऐसा। ओके, एक नंबर हो गया गाइस, अब चलते ब्लॉगिंग पे और लेके चलता हूँ आपको, दिखाता हूँ। सो गाइस लेके चलता हूँ आपको, मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ राजगुरु नगर खेड़ में, और यहाँ से लेके चलता हूँ आपको पेट घाट करके है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मतलब लीन करने वाला ये है, टन है, पहाड़ है, उसके ऊपर एकदम मतलब राउंड सही है, और उधर ही लेके चलता हूँ आपको। काफ़ी मस्त भाई साहब, पिकाचू हेलमेट का रिएक्शन भाई ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि भाई बच्चे लोग देखते हैं ना भाई, बहुत प्यार से देखते हैं कसम से। बाकी अभी हम लोग अभी यहाँ से निकले हैं, ये कौन सा जगह है मुझे नहीं पता यार, इसको समझो ये संगम क्लासिक से अभी जस्ट निकले हम लोग, और यहाँ से देख सकते हो। और अब हमें निकल कर दिया कोई लोग संगम क्लासिक पे। सो गाइस हम दो दोस्त जा रहे हैं, और भाई इतना काम रहता है भाई कसम से कि क्या बताऊं भाई, ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिलता, एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। सो गाइस ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए आज निकला हूं बहुत दिन बाद भाई साहब ब्लॉगिंग, मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत दिन बाद निकला हूँ आज। और आज फाइनल भाई क्या बात है यार, इतना ज़बरदस्त, इसलिए मैं खेड़ में ब्लॉगिंग नहीं बनाता हूँ भाई, इतना ज़बरदस्त देखते हैं ना कि क्या बताऊँ। और लेके चलता हूँ आपको, रास्ते का काम चालू है आगे, और ये है अभी पानी टंकी जो कि राजगुरु नगर खेड़ का है, और आगे लेके चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, और ज़बरदस्त हो रहा है भाई। और यहाँ पे ब्लॉगिंग करने का भाई बहुत मज़ा आता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता कसम से। कैसा होता है भाई कि अगर मैं काम कर लूँ तो काम ही कर लूँ, और ब्लॉगिंग पे पूरा समय दे दूँ यूट्यूब को तो ब्लॉगिंग पे ही दे दूँ, दोनों में से एक ही होगा गाइस, काम भी हो जाए फिर ब्लॉगिंग भी करूँ, ऐसा नहीं हो सकता यार। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ब्लॉगिंग पे मेरा चैनल वायरल हो गया तो मैं ब्लॉगिंग पे पूरा ही फोकस डाल दूँगा, लेकिन अभी कैसा है कि थोड़ा मतलब गाड़ी भी नहीं, अभी स्प्लेंडर गाड़ी है मेरे पास, तो इसी से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और अभी इसी से शुरुआत किया हूँ, और कैसा कामयाबी मिलती जाएगी आगे। और आप लोग सपोर्ट कर दिया करो भाई, कैसा रहता है मतलब कि अगर जैसे बाइक भी अच्छा रहता है ना तो रिएक्शन भी ज़बरदस्त आता है, और भाई बाइक ही नहीं अच्छा है, पिकाचू हेलमेट है, इतना ज़बरदस्त रिएक्शन देता है ना गाइस। लेकिन कैसा है कि पिकाचू हेलमेट के साथ अगर बाइक भी बहुत मस्त रहे ना तो एक नंबर ब्लॉगिंग होता है, तो वो एक और ज़बरदस्त सीन है। देख रहे लड़की कैसे देख रही है भाई, ज़बरदस्त है।